क्या उमर रियाज घर से इविक्ट हो चुके हैं, निकल चुके हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विनीत, आप देख रहे हैं V2 एंटरटेनमेंट। और सबसे बड़ी खबर अब तक की पिछले कुछ हफ्तों से जो आ रही है, वो आ रही है एक प्रोमो आया है बिग बॉस का, जिसमें दिखाया गया है प्रतीक और उमर लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई करके उमर धक्का देते हुए नजर आए हैं प्रतीक सेजपाल को। तो इसके बाद बिग बॉस सब लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि इस ये जो घटना है, जो हिंसा है, ये निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं करी जा सकती, और इसके लिए उमर को, और इसके बाद दिया जाता है एक म्यूट, सीन चेंज, म्यूट कर देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो हम आपको बता दें, अभी अभी लाइव फीड स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले, और इसमें उमर रियाज यहाँ पर साफ नज़र आए हैं, लेटे हुए हैं अपने बिस्तर पे, सोते हुए नज़र आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले। वो बिल्कुल सेफ हैं, घर के अंदर हैं, उनको इविक्ट नहीं किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कन्फर्म सुनने में आ रही है, वो आ रही है कि उमर रियाज अब VIP हैं, उनके पास वो स्टार है VIPs वाला, तो वो भी एक सेकंड कन्फर्म न्यूज़ आ रही है। अगेन, ये चीज़ें जो हैं ये लाइव फीड से हम समझ रहे हैं, एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म चीज़ें नहीं है। कन्फर्म जब कल दिन में बातें होंगी और डिटेल्स निकल के आएंगी, तब कुछ और क्लियरिटी आएगी। तो दूसरी चीज़, उमर रियाज VIP भी बन चुके हैं, घर से बाहर नहीं आए हैं। तीसरी चीज़, ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि उमर रियाज को सीज़न के एंड तक नॉमिनेट किया गया है। इसका मतलब जब तक ये सीज़न रहेगा, जितने भी सालों तक ये सीज़न चलेगा, ये 15 सीज़न, तब तक के लिए उमर रियाज नॉमिनेटेड हैं, ऐसी कुछ अंदेशे लगाए जा रहे हैं। वो डिटेल्स थोड़ी देर बाद, जब ये डिटेल्स बात करेंगे लोग घर वाले या शो में और डिटेल्स पता चलेंगी, तब वो चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। और यहाँ पर 14वें हफ्ते में, मतलब इतना आगे जाकर ये अगर चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो बहुत ही डेंजरस है, सही बात नहीं है। इस सीज़न में, पूरे सीज़न में काफ़ी बार हिंसा हुई है, चाहे वो सिम्बा नागपाल का धक्का देना हो, चाहे करण कुंद्रा का पटकना हो, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। इससे पिछली बार अगर आप देखते हो तो क्या बोलते हैं, अर्शी खान को धक्का मारा था विकास गुप्ता ने, तो वो भी आउट हो रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है किसी भी केस में। लेकिन बिग बॉस ने बहुत ही डिफरेंट स्टैंड लिए हैं। जब अर्शी खान ने चाकू निकाला था तो उसको आउट कर दिया, लेकिन जब बिचकुले ने बोला कि मैं हेयर ऑयल पी लूँगा और सबका नाम डाल दूंगा सुसाइड नोट में, उस पॉइंट पे सब ने क्या बोलते हैं, उसको कुछ नहीं किया, मतलब बिग बॉस ने उसको छोड़ दिया कि भैया कोई बात नहीं। तो बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन लेते हुए नज़र आए हैं इस बार बिग बॉस और सलमान भाई। अब इस केस में क्या होता है ये नहीं पता। उमर को सजा दी है, कुछ बोला गया है, नॉमिनेशंस हुए हैं, वो डिटेल्स आने वाले टाइम में और पता चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि उमर रियाज घर के अंदर ही है, 0.1 VIP बन चुके हैं, 0.2 स्टार है उनके बैच पे। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड लक बिग बॉस।